हे hey दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों RCJ इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा को। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसकी नई कैश प्राइस क्या देखने को मिलेगी। अगर आपका बजट कम है और आपको निकालने इस रिक्शा को फाइनेंस पे, जैसे कम से कम डाउन पेमेंट क्या कर सकते हैं, लोन अमाउंट क्या होगी और महीने की EMI क्या निकल गया है, सभी बातें आपको वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस रिक्शा के कैश प्राइस के बारे में। एक्स शोरूम प्राइस आपको 2,10,000 रुपए से 2,15,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें, ऑन रोड प्राइस में हमने RTO इंश्योरेंस और अदर चार्ज को जोड़ने के बाद इसकी ऑन रोड प्राइस को निकाला है। ऑन रोड प्राइस आपको 2,30,000 रुपए से 2,40,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी। ऑन रोड प्राइस आपको हर एक स्टेट में अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो बात इस रिक्शा के कैश प्राइस के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इसके फाइनेंस के प्लान के ऊपर। अगर आपका बजट कम है और आप करते हैं डाउन पेमेंट 60,000 रुपए की, तो इसकी लोन अमाउंट आपको 1,70,000 रुपए निकल के आती है। अगर आप कराते कंपनियां बैंक से फाइनेंस और रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और लेते हैं टाइम अगले 4 साल इसकी लोन अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी महीने की EMI आपको 4,311 रुपए पर मंथ निकल के आती है। तो ये तो बात हुई हमारे पहले प्लान के बारे में। अब बात करते हैं हमारा दूसरा प्लान जो हमने लिया है 5 साल के लिए। अगर आप कराते रिक्शा ऑफ फाइनेंस पे, तो आपको इसकी पर मंथ की EMI 3,611 रुपए निकल के आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको RCJ इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा के कैश प्राइस, स्पेसिफिकेशन और फाइनेंस की प्लान की जानकारी दी है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते किसी गाड़ी बाइक के बारे में जानना, कितने डाउन पेमेंट में जानना चाहते हैं, आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।